बात हुई है, सीटिंग हुई है हमारी इस फिल्म के बारे में, बड़ी अच्छी कहानी लिखी है उन्होंने। और सबसे खास बात यह है कि वो खुद इस फिल्म को डायरेक्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले उन्होंने एक फिल्म बनाई थी बदला हिंदुस्तानी का, जिसमें मैंने काम किया था और अली भाई भी थे और काफ़ी अच्छे अच्छे कलाकार थे सारे लोग, और वो फिल्म उन्होंने रिलीज भी किया। और ये एक फिल्म जो बना रहे हैं इनक्रेडिबल इंडिया, ये हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान में जो आतंक फैला हुआ है, जिस तरह से लोग साजिश करके हमारे हिंदुस्तान को अटैक कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट ये फिल्म है। और एक नए अंदाज से इन्होंने पेश किया कि जितने भी इसके कलाकार हैं सब सारे मतलब ऑलरेडी जो मर चुके हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो भूत बनकर के आते हैं और किस तरह से ये बदला लेते हैं। तो एक बड़ी अच्छी सूझबूझ है और अच्छी कहानी इन्होंने लिखी है। एंड आई होप कि ये अच्छी फिल्म बनाएंगे और बहुत जल्दी इसकी शुरुआत होगी। और हम सारे कलाकार अली भाई हैं और सुनील पाल हैं और रमेश जी हैं और बहुत सारे आर्टिस्ट इस पर काम करेंगे, और भी ये अच्छे अच्छे कलाकार लेने की सोच रहे हैं और एक अच्छे पैमाने पर और एक साफ सुथरी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी तरफ मेरी तरफ से राजपूत को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैं मुबारकबाद देता हूँ उनकी पहली फिल्म के लिए, उनको शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि फिल्म अच्छी बने, जल्दी बने और जल्द से जल्द रिलीज़ हो। और मीडिया से मैं खास करके रिक्वेस्ट करूँगा कि खास करके जब ऐसा कोई नया प्रयासगुजार या डायरेक्टर आता है, प्रयास करता है, तो उसको आप लोग मदद करें, हेल्प करें, सपोर्ट करें, क्योंकि मीडिया के बिना ये जनता तक ये बात नहीं पहुँच पाती है। तो सबसे बड़ा जो है आपका लिंक जो है वो मीडिया से होता है। तो थैंक यू कि आप लोग इतनी तादाद में आए हैं और उम्मीद करता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करेंगे और लोगों तक पहुँचाएंगे। मेरा नाम अलीब केदार है। यार रोल रोल मेरा नाम अलीब केदार है और आज बहुत सारी आपकी बात है, कैलेंडर लॉन्च हो रहा है और मैं भी आज फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ बॉलीवुड में कैलेंडर लॉन्च हो रहा है। यस, और खास तौर से मेरे दोस्त हैं, मेरे छोटे भाई हैं राजपूत भाई, वो डायरेक्ट कर रहे हैं, उनकी पहली मूवी है डायरेक्ट कर रहे हैं, और रेणुका भाभी जी सब मेरे घर के परिवार समान है और उन्होंने इतने बड़े फिल्म में मौका देने का काम किया है हम सभी कलाकारों को, खास तौर से मुझे मेरी बात करो। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा भारत फिल्म्स का, राजपूत भाई का, और ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, बस आगे हम मेहनत करेंगे और इस फिल्म के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आगे कैसे बढ़े उस फिल्म में, उस कॉम्पोजिशन के साथ आगे बढ़े, इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। थैंक यू। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, शायद मैं यही वेट कर रहा था कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले कि मैं काम कर सकूं फिल्म के अंदर। और अगर इस फिल्म की मैं बात करना चाहूं तो ये जो फिल्म है हॉरर एंड कॉमेडी, और साथ में जो एक सोच है देशभक्ति का, जो इस सोच के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं और शायद हमारी पूरी टीम आगे बढ़ रही है, तो उसी पर आधारित है पूरी फिल्म। सबसे पहले तो मैं यहाँ आए हुए अपने मीडिया के जितने भी लोग हैं उनको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि अपने को कीमती समय निकाल कर आप आए। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, आज जो आप आए थे आज कैलेंडर लॉन्च है इनक्रेडिबल इंडिया का, इस मूवी के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। इस मूवी में हम जो करने इस बार जा रहे हैं, ये एक हॉरर फ्लिक होगी मूवी जो कॉमेडी बेस्ड होगी इंडो पार्क, जैसा कि आप आगे चल के देखेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं मिस्टर राज राजपूत सिंह और आरआर बैनर, रेणुका सिंह और आरआर बैनर जो हैं, ये जो नए लोग होते हैं इन लोगों को बहुत प्रोत्साहन देते हैं, मैं खुद उनमें से एक हूँ, और इनका एक ही मकसद है कि देश के जवान और किसान के लिए हमें कुछ करना है हमारे माध्यम से। तो वही हम इस बेस ये जो फिल्म है इनक्रेडिबल इंडिया, हम जो भी इसमें जो भी करेंगे वो देशभक्ति आप सारी चीज़ें आप लोगों को नज़र आएगी, उसके लिए सिर्फ जज्बे की ज़रूरत होती है, जो हमारे प्रोड्यूसर राज राजपूत सिंह में है और आरआर बैनर में है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, आज जो लॉन्च हो रहा है कैलेंडर, ये तो सिर्फ एक मौका है वापस से रीयूनाइट होने का सारे लोगों के साथ में। और दूसरी बात मैं यही कहना चाहूँगा कि जो एक नेक इरादा है हमारे जो प्रोड्यूसर है मिस्टर राज राजपूत सिंह का, उनका ये जो नेक इरादा है 25% जो भी आमदनी होती है फिल्म से, वो आमी जो शहीद हुए हैं उनकी फैमिली और फार्मर्स जो हमारे लिए किसान हैं वो उनके लिए देते हैं। तो ये बहुत कम लोगों की ऐसी सोच होती है जो इस तरह से यू नो आगे आते हैं, बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन करने वाले बहुत कम होते हैं। ये उनमें से मेरे छोटे भाई जैसे हैं मिस्टर राजपूत सिंह, तो
मैं सल्यूट करता हूँ मैं उनकी सोच को, और जो भी टीम है सारी टीम के लिए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हम ये सिर्फ एक टीम नहीं है, फैमिली है, आरा फिल्म एक फैमिली है जिसमें आप सारे लोग भी जुड़े हुए सर, और बस इसी तरह से हमारे साथ में सपोर्ट रखिएगा और इस फिल्म को जैसा भी आगे बढ़ाइएगा। सिर्फ आज ये कैलेंडर लॉन्च है क्योंकि नया साल आ रहा है 2019, एक नई शुरुआत, एक नई पारी हो रही है, तो 2019 का ये साल आ रहा है, तो हमारा मिशन ये है कि हमारी फिल्म के जरिए से इनक्रेडिबल इंडिया जो मूवी आ रहा है बैनर के तले, इसके प्रोड्यूसर है मिस्टर राजराज सिंह, बस यही हम कहना चाहते हैं कि देशभक्ति का जज्बा चाहे वो इंसान हो चाहे जो भी हो उसमें होना चाहिए और सच्चे दिल से हमें आगे बढ़ना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ और आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सब लोग आए आज यहाँ पर हमें प्रोत्साहन देने के लिए। हम भले टीम नहीं है लेकिन हमारे जोश बहुत, हौसले हमारे बहुत आगे हैं और आप सब लोग का साथ रहा तो हम बहुत आगे हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम तो खुशबू है, मैं खुशबू शुक्ला हूँ, लेकिन मेरा रोल क्या होगा, एक सस्पेंस है क्योंकि सस्पेंस को सस्पेंस ही रखा जाए तो अच्छा है, जब आएगा तो आप सब देखेंगे और काफ़ी खुश होंगे उस रोल से, जैसा मैं समझती हूँ। जैसा विशाल जी ने बोला कि राजपूत जी जो हैं, राजपूत जी काफ़ी न्यू कमर जो होते हैं उनको चांस दे रहे हैं, और ये जो फिल्म है आई थिंक बहुत ही धमाल मचाने वाली है क्योंकि इसकी स्टोरी जो है ना वो बहुत ही अलग है। फिल्में तो हम हमेशा देखते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ फिल्में आती ही हैं, बट ये फिल्म कुछ हटके हैं, कुछ अलग है। तो बस इसके बारे में ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ मैं राजपूत जी और रेणुका राजपूत जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे ये रोल दिया कि मैं ये प्ले कर पाऊँ। रोल मैं आप सबको ये तस्वीर से रहने देती हूँ, आगे चल के आप सबको पता ही चल जाएगा कि क्या रोल, और आई होप आप सब इन्जॉय करेंगे। टाइटल ही इतना इम्प्रेसिव है कि मतलब इस टाइटल से हमारे देश के बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो जुड़े हों, और आरा फिल्म की तरफ से ये फिल्म आ रहा है, ये फिल्म आ रहा है आरा फिल्म की तरफ से आ रहा है, और मुझे लगता है कि ये फिल्म हमारे करंट मुद्दों को, देश के ज्वलंत मुद्दों को हाईलाइट करेगी और साथ में एंटरटेनमेंट भी होगा, मैसेज के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी होगा, कॉमेडी भी होगी, रोमांस भी होगा, गाने भी होंगे और साथ में एक सोशल मैसेज भी होगा। तो मुझे लगता है कि आजकल ऐसी फिल्मों की जरूरत है और जो जो ऐसे फिल्में बन रही है सब सुपर हिट होगी। एक्टर से जानना चाहूँगा क्या पर्टिकुलर क्वेश्चन का, तो ऐसे है कि जो हमारे प्रोड्यूसर साहब की जो सोच है देशभक्ति का जुनून और जज्बा, शायद वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी था, और जब इसमें जब ये मौका मिला कि इस सब्जेक्ट पे काम करने का या फिर इसके साथ जुड़ने का, तो शायद हम इसी का वेट कर रहे थे कि ये जो हम बाहर नहीं कर पा रहे थे वो इस बैनर में और इन प्रोड्यूसर साहब के साथ करने का मौका मिला, तो एज एक्टर तो ये हमारी सोच थी कहीं ना कहीं, और इसी के लिए हम आगे चल रहे हैं, आगे आगे हम काम कर रहे हैं कि आगे इस पर किस तरीके से काम किया जाए और किस तरीके से, हमारी सोच तो ऐसी है लेकिन हमारे आसपास के लोगों की सोच को बदलना ही हमारे लिए चैलेंज है, वो हम इस पे काम करें। मैं बस यही कहना चाहूँगा जो स्पेशली जो एक आदमी है जिसका नाम है राजराज सिंह, जो प्रोड्यूसर है डायरेक्टर भी होंगे, इनकी सोच को मैं सलाम देना चाहूँगा कि वेरियस तरीके की जो कहानी है, ये कहानी जिस तरह से इन्होंने बनाई है कहने के
कहने के लिए बहुत कुछ है, कहानी के बारे में कहेंगे तो सस्पेंस चला जाएगा, लेकिन तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, रही बात प्रिपरेशन के बाद एज एन एक्टर आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड कि मुझे इस तरह का एक रोल ऑफर किया गया है और लीड मैं इस फिल्म में कर रहा हूँ, उस फिल्म का लीड हूँ। और बस यही कहना चाहता हूँ, जो भी मैं काम करता हूँ मैं बस यही करता हूँ, शिवा का नाम लेता हूँ और उसको अच्छी तरह से मैं प्रिपेयर करता हूँ। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि ऑनेस्टी से जो भी आप काम करो वो काम पूरी तरह से पूरी होती है, बस यही मैं कहना चाहूँगा। एज एन एक्टर मैं ज़्यादा फिलहाल तो नहीं बोलना चाहूँगा, आई लाइक टू डिलीवर अदर थिंग सही एनी थिंग अबाउट माय वर्क। क्या कहेंगे सर इस फिल्म के बारे में? इस फिल्म के मुहूर्त में तो आप सबके फिल्म का मुहूर्त हो चुका है, शूटिंग होने बाकी। फिल्म की कहानी जो है बहुत अच्छे ढंग से बढ़ी जा रही है, डायलॉग्स इसके बहुत शुक्रिया, सारे कलाकार हैं जो उस फिल्म में काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि फिल्म फरवरी में एंड ऑफ जनवरी या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में शुरू होगी, क्योंकि इसका आउटडोर जो है हरियाणा साइड में दिल्ली में थोड़ी सी ठंड ज़्यादा हुआ और उस हिसाब से वहाँ फिल्म भी शूट हुई। तो बाकी है कि ये सारी जो टीम है बहुत ये लोग मेहनत कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म बहुत अच्छी है। क्या आप दोनों में कोई छोटा किरदार करते हो कि जिसमें? हाँ, छोटा सा कोई कैमियो है? छोटा सा पक्का करूँगा, कैमियो में छोटा, क्योंकि मुझे लगता है कि इतनी बड़ी फिल्म है अगर छोटा करते हुए करना तो सवाल की बात है। इनक्रेडिबल इंडिया नाम में ही बहुत बड़प्पन है, बहुत बड़ी बात है। तो ये दो आई जो है इंडिया इनक्रेडिबल का आई और इंडिया का आई, ये दो आई में अगर हम आई और आई विल देयर सो आई विल बी फीलिंग प्राउड ऑफ। सही कह रहे हैं, ये देखिए इस तरह की फिल्म जब होती है तो इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो बहुत बड़ी फिल्में भी होती है, छोटी फिल्में भी होती है, बड़ा रोल भी है, छोटा रोल भी किया रोल रोल अच्छा ही हो। सर आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? सबको नमस्कार। इनक्रेडिबल इट सेल्फ शोज कि इंडिया इज इनक्रेडिबल, तुल्य है ये वाकई तुल्य है कि बाहर हमारा एक देश है, हम सारी दुनिया में घूमे हैं, यहाँ एक कमाता है, सारे खाते हैं, बाहर सारे कमाते हैं, फिर भी भूखे मरते हैं वर्तमान। यानी हो ये सारा हम बताना चाहते हैं, हमारे देश में वो चीज़ें हैं कि जीते हैं किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। यहाँ हर नार में राम अभी नारी में अभी तक सीखा है, हम कुछ अभी भी जुड़े हुए हैं अपनी संस्कृति से, जो इसमें दिखाने जा रहे हैं तो वही हम बचे हैं। नहीं तो आप देखिए हमारा पड़ोसी पाकिस्तान टूट गया, सारा यूरोप टूट गया, रशिया टूट गया, लेकिन हम लड़ते हैं मरते हैं इनक्रेडिबल इंडिया में। कभी कभी हदें पार करके एक दूसरे की इज्जत भी लूट लेते हैं, लेकिन फिर भी इकट्ठे रहते हैं। तो दैट्स एवरीथिंग इज देयर इन इनक्रेडिबल इंडिया। अनिल पाल है, हरी साहब है, मोहन भगत प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी रहते हैं, बहुत बड़ी फिल्म है क्रांति, ये वो सब इन्होंने की। पीरू जी के असिस्टेंट थे, माई डायरेक्टर हैं, वो भी इसके साथ शिरकत कर रहे हैं। तो हमारी दुआएं हैं कि एक अच्छी कोशिश कर रहे हैं। फिल्म कोई बड़ी नहीं होती, कोई छोटी नहीं होती, अच्छी और बुरी होती, पैसा तो सब कमा लेते हैं। जो झूठ बोलते हैं कि मैं मर गया, फिल्म का पैसा अंडर प्रोडक्शन ही 4 पैसे आ जाते हैं, 1 रुपये की चीज़ का फिल्म 1.25 रुपया बाकी। तो आज तो बहुत ही हर और मतलब जिसे कहते हैं वर्ल्ड मीडिया को इतनी मतलब जो चीज़ें हैं चांसेस है कोई साथ। तो भाई शुभ शायद नए लड़के हैं, यंग टीम है, परमात्मा इनको कामयाब करे। और इनक्रेडिबल इंडिया जिसके हम अभी इसको आए हुए हैं, यहाँ पे मौजूद हैं, तो राज भाई को सबसे पहले मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और बहुत ही जल्द इस फिल्म की शूट स्टार्ट होने वाली है। तो राज भाई को और रेणुका जी को और उनकी पूरी टीम को, पूरी कास्ट और क्रू को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छी फिल्म है, दर्शकों को पसंद आए, और यही दुआ देता हूँ और साथ साथ आप सभी को और नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। बदला हिंदुस्तानी का फिल्म बनाई थी, वहाँ पर भी मैं आया था और आज मुझे यहाँ भी आने का मौका मिला है। इसके लिए मैं राजपूत सिंह का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और पूरी यूनिट का, पूरी टेक्निकल टीम का, कलाकारों का, यहाँ पर जो गेस्ट आए हैं सबका आभार प्रकट करता हूँ कि वो आज इस माहौल को अच्छा बनाए हुए हैं, खूबसूरत बनाए हुए हैं। सर ऐसा है, जब भी कोई नई फिल्म स्टार्ट होती है तो बहुत लोगों का भला करती है और ये फिल्म में खासियत ये है
कि प्रोड्यूसर जितना पैसा इसकी पब्लिसिटी पर कर रहा है शायद ही इस लेवल में कोई कर पाता। आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा कि उन्होंने हर एक एक्टर का कैलेंडर बनवाया जो पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। मेरे जैसे छोटे कलाकार का भी कैलेंडर है और वो कैलेंडर जब घरों में लगेगा तो लोग मुझे याद रखेंगे साल दो साल साढ़े एक साल तक, क्योंकि 150 पड़ी हुई है। ये बहुत बड़ी बात है। मेरे 44 साल के करियर में आज तक किसी ने इस तरह का कुछ नहीं किया। केवल खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मेमोरी नहीं रहती है। ये जो कैलेंडर लगे हुए हैं आपके लेफ्ट साइड में, आप देखिए ये क्या कमाल है। ये जो है हर एक आदमी की हिम्मत नहीं है। एक एक एक्टर के हजारों कैलेंडर बनवाए हैं प्रोड्यूसर ने। तो ये तो स्टार्टिंग है, ये तो अभी शुरू हुई है कहानी। और आगे चल के देखिए इस फिल्म में बहुत कुछ है। जैसे कि आप नाम देख रहे हैं इनक्रेडिबल इंडिया, मतलब नाम ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जब इसकी स्टोरी स्टार्ट होगी, शूटिंग स्टार्ट होगी, तो बहुत कुछ नयापन आएगा इसमें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह के यहाँ पर एक्टर लिए गए हैं बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे। मैं भी कोशिश करूंगा और इस फिल्म से हम सब कलाकारों को फायदा होगा। और इस फिल्म की सबसे बड़ी खास बात यह है, इस फिल्म में मैक्सिमम नए लोगों को लिया गया है। अगर आप परिस्थिति देखेंगे तो इसमें मतलब इतने लोग लिए गए और सबके साथ में जस्टिफिकेशन किया गया है, हर एक का फोटो बना है, सबको पब्लिसिटी का मौका दिया गया है। जबकि मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, मुझे तो कभी पब्लिसिटी फोटो नहीं मिला कभी। 44 साल से मैं इंडस्ट्री की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मेरा आज तक फोटो कहीं नहीं लगा है। मुझे फख्र इस बात का है कि प्रोड्यूसर ने मेरा फोटो कैलेंडर में लगाया है और पब्लिसिटी कर रहा है मेरे नाम की। फिल्म तो स्टार्ट हो गई, उसका तो फायदा मुझे होगा ही, लेकिन इस कैलेंडर का, इस पब्लिसिटी का मुझे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इसके लिए मैं पूरी यूनिट का, प्रोड्यूसर का, डायरेक्टर का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हम तो सब लोग ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फिल्म बने, ज्यादा से ज्यादा कलाकारों का, टेक्नीशियंस का फायदा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग आगे बढ़े, मौका मिले। और वो ये सब काम इस इनक्रेडिबल इंडिया में, ज्यादा से ज्यादा लोग काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका दिया गया है। तो मैं आज बहुत खुश हूँ और मैं अभी भी शूटिंग करके आ रहा हूँ। और मुझे बाय द वे मौका मिल गया आज लोगों के सामने, मेरे बहुत बड़ी खुशी की बात है। क्योंकि मैं सोच रहा था कहीं मुझसे मिस न हो जाए प्रोग्राम, क्यों ये प्रोग्राम मेरे लिए लाइफ का बेस्ट प्रोग्राम है। 44 साल में मुझे इतनी इज्जत कभी किसी ने नहीं दी। मैंने बड़ी बड़ी फिल्में की, ऐसा हिंदुस्तान में कोई एक्टर नहीं जिसे तब मैंने काम नहीं किया हो 44 साल में, लेकिन ये इज्जत वहाँ नहीं मिली जो मुझे इज्जत यहाँ मिल रही है। अगेन थैंक्स टू प्रोड्यूसर डायरेक्टर एंड टेक्निशियन, थैंक यू वेरी मच।